दोस्तों बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल दो पीएसयू स्टॉक सेल और नालको पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश नजर आ रहे हैं। दरअसल दिसंबर तिमाही के नतीजे के बाद ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने मेटल सेक्टर के स्टॉक सेल और नालको पर खरीदने की सलाह दी है। आपको बता दें कि सेल के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं, जबकि नालको के निराशाजनक नतीजे के बावजूद आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। दोस्तों राकेश झुंझुनवाला की सेल में 1.1% और नालको में 1.4% हिस्सेदारी है। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने सेल पर खरीदने की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस 142 रुपए का दिया है। अभी के समय में ये शेयर 103 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस तरह करेंट प्राइस से निवेशकों को आगे करीब 38% का दमदार रिटर्न मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि बीते एक साल में सेल में निवेशकों को 55% से ज्यादा का रिटर्न मिल चुका है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि दिसंबर 2021 के एंड क्वार्टर के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं और कंपनी को एवरेज सेलिंग प्राइस का सपोर्ट मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की शुरुआत से कंपनी ने अपने कर्ज 162 अरब रुपए घटाए हैं, हालांकि मार्केट कैप केवल 102 अरब रुपए का ही बढ़ा है। वहीं दोस्तों डेट यानी कि कर्ज कम होने के बावजूद मार्केट से कंपनी को रिवॉर्ड नहीं मिला है। और दोस्तों ब्रोकरेज का कहना है कि वो स्टील साइकिल को लेकर पॉजिटिव है। चीन में ओलंपिक के बाद इकोनॉमी में तेजी की उम्मीद है। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री में एक और प्राइस हाइक हो सकता है और इससे ईबीआई टीडीओ को सपोर्ट मिलेगा और इसी की वजह से ब्रोकरेज ने 142 रुपए का टारगेट दिया है। वहीं अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 4.1% बढ़कर 1528 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 1468 करोड़ रुपए था। वहीं दोस्तों अगर हम नालको के बारे में बात करें तो ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट प्राइस 147 रुपए दिया है और इसे खरीदने की सलाह दी है। अभी के समय में शेयर करंट प्राइस से 125 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इस तरह करंट प्राइस से निवेशकों को आगे करीब 18% का रिटर्न मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि एक साल में नालको में निवेशकों को 148% का रिटर्न मिल चुका है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी के नतीजे निराशाजनक रहे हैं, लेकिन LME यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस मजबूत है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के मार्जिन पर लागत का असर रहा है, लेकिन दोस्तों मेटल कीमतों का नालको को सीधा फायदा होगा। यूरोप में एनर्जी प्रॉब्लम, चीन में कार्बन एमिशन में कटौती और ग्रीन एल्युमिनियम कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों इन कारणों की वजह से ब्रोकरेज फर्म ने सेल और नालको में खरीदने की सलाह दी है। तो दोस्तों आप भी सेल और नालको को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट राकेश झुंझुनवाला के सेल और नालको को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।